नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे शाहरुख खान आज से कुछ समय पहले तक एक अनजान नाम थे, मगर मौजूदा समय में ये नाम आईपीएल की हर फ्रेंचाइजी की जबान पर है अपनी टीम में शामिल करने के लिए। तमिलनाडु के शाहरुख खान ने साल 2021 में पंजाब किंग्स के लिए पर्दापण किया था और अब बस कुछ ही कदम दूर हैं भारत के लिए अपना डेब्यू करने से, क्योंकि ऑलराउंडर को वेस्टइंडीज के खिलाफ स्टैंड बाय में रखा गया है। शाहरुख खान ने इस मौके पर अपनी बात कही और साथ ही में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी बात की। शाहरुख खान ने भारतीय टीम में बतौर स्टैंड बाय चुने जाने पर कहा कि मैं चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने में कामयाब रहा। अगर आपने मुझसे एक साल पहले पूछा होता तो कहता कि मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे अभी पूछे तो मैं हाँ कहूँगा। मैं भारत की जर्सी पहनने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने सिर को ऊंचा करके ये बात कह सकता हूँ। इसके बाद शाहरुख खान ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं एमएस धोनी को अपना आदर्श मानता हूँ, उन्हीं की तरह खेल खत्म करना चाहता हूँ जैसे धोनी भारत के लिए किया करते थे। मैंने हमेशा धोनी की तरफ देखा है और मैं उनकी तरह फिनिशर बनना चाहता हूँ। आपको बता दें कि शाहरुख खान की भारत के लिए खेलने की इच्छा जल्द ही पूरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत के चार खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और नवदीप सैनी शामिल हैं। ऐसे में BCCI जल्द ही इनके रिप्लेसमेंट के नाम साझा करेगा, जिनमें एक नाम शाहरुख खान का भी हो सकता है। शाहरुख खान में यह क्षमता है कि वे अंत में मैच को फिनिश करके दे सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।